नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली अगर हमारा इंजन ऑयल जल रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये एक बार समझते हैं। देखिए, पहला कारण उसका हो सकता है कि सिलेंडर हेड की गैस्केट है, वो अगर लीक होकर इंजन ऑयल कम्बस्टन चैम्बर में जल रहा है, अगर वो गैस्केट है उससे लीकेज हो रही है तब भी हमारा जो इंजन ऑयल है वो जलेगा, तो उस गैस्केट को क्या करना है, हमें उपचार क्या है इसका, गैस्केट को बदल दें। सेकेंड है हमारा वाल्व गाइड से लीकेज होना, वाल्व की जो गाइड है वहाँ से अगर लीकेज हो रही है तब भी हमारा इंजन ऑयल एक्सेस जलेगा, एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। उसके लिए क्या करना है, हमें वाल्व गाइड की सील को बदल देना है, वाल्व की हमने जो गाइड होती है उसकी सील को बदल देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिंग लैंड का टूटा होना, अगर रिंग लैंड है वो टूटा हुआ है तो उस केस में क्या करना है, पिस्टन रिंग को बदल देना है, पिस्टन बदल देना है, ठीक है। उसके बाद है कम विस्कोसिटी का ऑयल प्रयोग करना। देखिए, विस्कोसिटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस फ्लो टू द लिक्विड, जो लिक्विड है उसके अंदर का जो फ्लो है उसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, वो यानी कि कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि जो आपने इंजन ऑयल डाला वो कितना गाढ़ा है कितना पतला है। अगर कम विस्कोसिटी का है तो मतलब पतला है, ज़्यादा विस्कोसिटी का है तो वो गाढ़ा है, तो कितना गाढ़ा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा पतला है तब भी वो जल्दी जल जाएगा, तो उस केस में क्या करना है, सही क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ करना है। उसके बाद आता है पिस्टन का घिस जाना, अगर आपका पिस्टन घिसा हुआ है तो उस केस में भी इंजन ऑयल है ज़्यादा मात्रा में बर्न होगा, तो पिस्टन अगर घिस गया है तो उसको क्या करना है, पिस्टन को चेंज कर देना है। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग एंड गैप अधिक होना, पिस्टन रिंग है जो उसकी जो अंदर की जिस ग्रुप में बैठ रहा है उसमें गैप अगर ज़्यादा हो गया तब भी आपका जो इंजन ऑयल है वो एक्सेस मात्रा में लगेगा, क्योंकि क्या होता है, जब वॉल्व इंजन ऑयल जब सिलेंडर की वॉल्स को लुब्रिकेट करता है उस केस में क्या होता है, अगर वो रिंग ढीले पड़ गए तो वो एक्सेस मात्रा में जाना शुरू हो जाए, क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया है वहाँ से रिंग अनबैलेंस हो जाएगा, आगे पीछे लगेगा, तो जिस मात्रा में लगना चाहिए उस मात्रा में इंजन ऑयल ना लग के एक्सेस मात्रा में लगेगा, तो ज़्यादा जलेगा। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग टूटे होना या ना होना, अगर पिस्टन के ऊपर रिंग है वो टूट चुके हैं या फिर है ही नहीं तब भी एक्सेस मात्रा में इंजन ऑयल जलेगा, तो उस केस में क्या करना है, पिस्टन के ऊपर अगर रिंग नहीं है तो रिंग लगाना है, अगर टूट गया तो उसको रिप्लेस करके नया लगाना है। नेक्स्ट है सिलेंडर लाइनर का घिस जाना, अब सिलेंडर के जो लाइनर है जिसके अंदर सिलेंडर डलता है, एक तो सिलेंडर होता है, ठीक है, अब जिसके अंदर सिलेंडर डल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर लाइनर। अगर सिलेंडर लाइनर में दिक्कत है तब उस केस में भी घिस गया है तो उसको भी क्या करना है, हमें सिलेंडर लाइनर को बदल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पिस्टन रिंग उल्टे फिट हो जाना, अगर पिस्टन रिंग उल्टे फिट हैं उस केस में भी इंजन ऑयल ज़्यादा मात्रा में जलेगा, उस केस में हमें करना उपचार क्या करना है, उनको सही से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है वाल्व स्टेम व वाल्व गाइड में क्लियरेंस अधिक होना, वाल्व की जो स्टेम होती है उसमें और वाल्व की जो गाइड है उसमें क्लियरेंस अगर ज़्यादा है, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन है वाल्व में इन आउट हो रहा है उसमें भी अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तब भी इंजन ऑयल ज़्यादा मात्रा में बर्न होगा। तो ये बेसिकली मेजर कारण थे जिनकी वजह से इंजन ऑयल ज़्यादा मात्रा में जलता है। आई होप इस वीडियो में आपको इंजन ऑयल के ज़्यादा जलने के कारण पता चले होंगे, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, धन्यवाद।